एहसास का माहौल जारी है और आप बिहार हो के आई हैं, आपने वहाँ पे क्या देखा? पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बिहार के प्रशासन है, वहाँ का जो कानून है, वो प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहा है। सपोर्ट इन द सेंस लाइक, जैसे कि वहाँ पे जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसी के सपोर्ट में है वो। और इतने अच्छे तरीके से आंदोलन किया जा रहा है कि जैसे यूपी में पुलिस हम लोग के साथ बर्बरता करती है, झूठे FIR हम लोग के ऊपर लगाती है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिहार में यूपी बहुत ज़्यादा ही बदनाम हो गया है। यहाँ का जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में जो गलत गलत अफवाहें फैलाई गई कि वहाँ पे वॉलंटियर्स के साथ ये है, बिरयानी है, बहुत गलत इम्पैक्ट यहाँ से यूपी का मैसेज जा रहा है बिहार में। और बिहार का जो अच्छे से आंदोलन चल रहा है, और वहाँ का ये है कि 24 घंटे लोग नहीं रहते, कम से कम वहाँ पे 10-12 घंटे औरतें वहाँ पे बैठती हैं, और जितने भी जेंट्स होते हैं वो अपनी जितनी भी लेडीज़ होते हैं उनको जाके छोड़ते हैं पीसफुल, मतलब सेफ्टी के साथ कि वो घर चली जाएं। अभी दिल्ली में जो दंगे हुए हेट स्पीच के बाद, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जब उन्हीं ने कहा था कि अगर वो नहीं हटेंगे 3 दिन के अंदर अंदर तो हम दंगा करेंगे, तो पुलिस ने इस चीज़ को कह दिया कि ऐसी वीडियो हमने नहीं देखी। जब उनको ऊपर ये केस लगाया गया तो उन्होंने कहा कि भैया हमें नहीं पता, हमने देखा नहीं। तो कहीं ना कहीं इस दंगे के पीछे बड़े लोग हैं जो दंगा कराते हैं, और जब पब्लिक में हिंसा हो जाती है, लोग मरते हैं, तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये जो बड़ा फेस है, ये सामने नहीं आता है। लगभग 45 लोगों की मौत हुई है वहाँ पर, तो कौन जिम्मेदार है? वहाँ का प्रशासन है, वहाँ के पुलिस कर्मी हैं जो कि खाकी वर्दी में, जिनको सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक को, वो गुंडागर्दों के साथ, दहशतगर्दों के साथ जुड़े हुए। और जो जज थे वहाँ के एस मुरलीधर, उनको उनके लिए पंजाब ट्रांसफर हो गया है, जबकि उन्होंने आदेश करा था कि FIR दर्ज करी जाए, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया। देखिए, सच्चाई की आवाज़ को दबाया जाएगा, जो सच्चे लोग हैं उनको हटाया जाएगा, ये हम सब जान रहे हैं कि क्या सच चल रहा है क्या झूठ चल रहा है। मुरलीधर जी के लिए सुन के बहुत अफसोस हुआ था, वो काफ़ी अच्छे किरदार के इंसान हैं और अच्छे किरदार के जज हैं, तो जिस तरह से उनके साथ ये किया गया है वो ये बहुत ही गलत है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ की गई है। जैसा कि दिल्ली का माहौल रहा, उसके बाद अब यूपी में कैसा माहौल है आपके हिसाब से? देखिए, छींटे तो आएंगी मुझे जैसा लगता है, क्योंकि जब इससे पहले 19 का दंगा हुआ था तो पहले दिल्ली में हुआ था, फिर यहाँ पे भी छींटें आई थी। तो मैं यही कहूँगी कि सबको यही मैसेज दूंगी कि भाई एकता बनाए रखिए, यूनिटी बनाए रखिए, जिस तरह से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको वैसे ही कामयाब करिए। और ये जो काला कानून है, बस अल्लाह से यही दुआ करी ऊपर वाले से कि ये जल्द से जल्द वापस हो जाए, सब लोग अपने घर चले जाएंगे। पुलिस और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? पुलिस और प्रशासन से मैं यही अपील करूँगी कि आप सच के साथ साथ दो, पब्लिक आपके साथ देगी, झूठ का साथ आप भी ना, क्योंकि झूठ जितना दबेगा उतना ही सच ऊपर उठेगा। तो मैडम, यहाँ भी बीच-बीच में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सॉरी, भीड़ पहले कम हो रही थी, लेकिन अब भीड़ बढ़ा दी गई है, अब बढ़ती जा रही है, जितनी अवेयरनेस लोगों में फैल रही है उतनी भीड़ यहाँ पे आती जा रही है। ये जो माहौल खराब कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक पकड़ लेती है तुरंत, इनको पकड़ के इनको मारने की कोशिश भी करते हैं, और हम लोग तुरंत पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। हम इनके साथ बर्बरता नहीं करते, जिस तरह ये आके हम लोगों के साथ बदतमीजी करते प्रोटेस्ट को बदनाम करने की। तो आप जितना बदनाम करोगे उतना हम हाईलाइट होंगे, इससे हमारा ही एडवांटेज है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। पुलिस की कार्रवाई से क्या खुश हैं आप? पुलिस जैसी कार्रवाई कर रही है तो मैं खुश नहीं हूँ, एकदम खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं झूठ का साथ दे रहे हैं, झूठी FIR लगा रहे हैं, झूठे कानून, मतलब हमारे बहनों पे, हमारे भाइयों पे मुकदमे चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू।